ए प्लस बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत बी और सी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के औसत से 15 कम है। यदि सी द्वारा प्राप्त किया गया अंक 65 है तो ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना होगा? देखिए भाई, बोला क्या गया है कि ए प्लस बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत, यानी कि ए प्लस बी अपॉन में 2, ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये किसके, बी प्लस सी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के औसत से 15 कम है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी प्लस सी का जो एवरेज निकलेगा इससे 15 कम होगा, इससे 15 कम होगा, यही हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया। अब देखो, अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, और दो और दो कट जाएंगे ना, ये 30 हो जाएगा, दो और दो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको निकालूं और सी का अंक कितना है, यहाँ पर सी का अंक कितना है, 65 है। ठीक है, सी का अंक कितना है, 65 है, तो यहाँ से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो अब बोला गया कि ए प्लस बी इक्वल्स टू में क्या निकल कर आया, बी प्लस सी माइनस का 15। बी को मैं अगर मैं यहाँ पर लाऊँ, इस साइड लाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और बी कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी माइनस का 15, और सी की वैल्यू कितनी है, 65 है, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल्स टू सी की जगह पर 65 रख सकते हैं ना, 65 माइनस 15, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपका, 0 हो जाएगा, कितना आपका, 50। तो ए के लिए अंक कितना होगा, 50 होगा। ये क्या हो गया, सॉरी 30 होगा ना, 15 गुना 2 30 होना चाहिए, माफ़ करना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 35। ठीक है, तो ए के अंक कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1।